How are you? All are fine? Aaj ecology in moment me we are going to start another very important topic especially for your prelims examination and as well as your mains examination. यह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन पर्यावरण अवनयन और प्रदूषण. फ्रेंड्स सम टाइम वी बिलीव एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन बोथ आर सेम वर्ड एंड बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. यानी कि लोग पर्यावरण अवनयन और प्रदूषण में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं और ये सोचते हैं कि एक दूसरे का पर्यायवाची है. बट इन द रियल सेंस दीज टू वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग. समहाउ दीज टू वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग. भूगोल में दोनों का अपना अपना अलग मतलब होता है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड व्हाट इज एनवायरमेंट पॉल्यूशन. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन एनवायरमेंट पॉल्यूशन. पॉल्यूशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ थिंग्स. जैसा कि आप जानते यू नो ऑल द थिंग्स इन आर एनवायरमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर फाउंड और ह्यूमन इज ए पार्ट ऑफ दैट एनवायरमेंट. और ह्यूमन ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स में चेंजिंग आते हैं. तो जब ह्यूमन की एक्टिविटी से नेचर में या हमारे एनवायरमेंट में चेंजिंग आते हैं उसमें कोई चीज बेकार होती इस कंडीशन तक बेकार हो जाती है कि वो रिपेयर भी ना हो सके एट दैट टाइम नोन एज पॉल्यूशन. इट मींस पॉल्यूशन फॉर द पॉल्यूशन मेनली ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल. इट मींस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज व्हेन एवर एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स आर चेंज at that time things are known as pollution and it is more or less sometime unrepairable. iska repair nahi ho sakta. jaise aap log is samay dekh rahe hain hum apne environment mein millions ton CO2 gas chhod rahe hain har saal jiska parinam ye ho raha hai ki वो गैस की उस गैस की वजह से CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है कि नहीं. या हम अपने एनवायरमेंट में बहुत सारे धूल कण छोड़ते रहते हैं. धूल कण जैसे इंडस्ट्री में चिमनियां हैं वे बड़ी मात्रा में डस्ट पार्टिकल्स को छोड़ती इमिट करती रहती हैं स्मोक छोड़ती रहती हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन की कंडीशंस बन रही है जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में एयर पॉल्यूशन भी कहते हैं. या ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्टेज रिवर्स में वेस्टेज जा रहे हैं और वे वेस्टेज पानी को बेकार कर रहे हैं. इसका परिणाम यह है कि वे नदियां बेकार हो गई हैं. उनका सतही जल रनिंग वाटर जो है आज की डेट में पीने योग्य नहीं बचा हुआ जैसे यमुना. तो उसे ही हम लोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं. एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन व्हेन एवर ह्यूमन एंड नेचर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल एंड स्पेशली ह्यूमन के साथ साथ कुछ नेचर की एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स में चेंजिंग आ जाती है. एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स में चेंजिंग आती है उसे हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं. जैसे सपोज वोल्केनिक इरप्शन हो जाए ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए. जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होगा ऐसे समय पर
एनवायरमेंट में बहुत सारी गैसेस मिल जाती हैं, बहुत सारे धूल कण मिल जाते हैं, तो उस एरिया का एनवायरमेंट डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बट एक बात ध्यान रखना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज मोर और लेस रिपेयरेबल। जब भी नेचर में परिवर्तन लाए जाते हैं, नेचर के कारण से परिवर्तन आते हैं हमारे एनवायरमेंट में, वह आसानी से रिपेयर किया जा सकता है, इट इज इजीली रिपेयरेबल। बट व्हेन एवर ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल, एट दैट टाइम रिपेयर इज वेरी टफ जॉब। तो पॉल्यूशन इज अ वेरी टफ जॉब, इसको दूर करना ह्यूमन के लिए बहुत टफ जॉब है, रिपेयर नहीं हो पाती। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉल्यूशन स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन एंड फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नेचर एंड ह्यूमन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। एंड स्पेशल थिंग इज दैट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज रिपेयरेबल, बट पॉल्यूशन नॉट रिपेयरेबल, सम टाइम नॉट रिपेयरेबल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ सकते हैं। एनवायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट होते हैं, एनवायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट होते हैं, कुछ डिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, कुछ आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ नहीं डिग्रेड होते हैं। वे हमारे एनवायरमेंट में फैलते रहते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। कुछ जो पोल्यूटेंट हैं वे डिग्रेडेबल हैं, जैसे शहरों से वेस्टेज निकलते हैं, शहरों से सीवेज निकलते हैं, तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे उनको तोड़ फोड़ देते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में चीजों को डिग्रेड कर पाते हैं। जब बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो वे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन सबको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, तोड़ फोड़ नहीं कर पाते, और जब वे टूट नहीं पाते हैं तो वे यहां वहां फैल जाते हैं। जैसे शहरों में गंदे नालों में इतना ज्यादा वेस्टेज उसमें पड़ता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सभी को तोड़ नहीं पाते। ठीक है, कुछ नॉन डिग्रेडेबल, ऐसे कुछ नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कैडमियम, पारा, आर्सेनिक, निकिल, मैंगनीज, पारामल मींस मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, निकिल, आयरन, तांबा, जस्ता, कॉपर, जिंक, बीएससी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डीडीटी, 2,4-D, ये ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये आसानी से टूटते नहीं, इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तोड़ नहीं पाते, और ये परिणाम होता है कि बहुत लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में पड़े रहते हैं, और इनकी मात्रा लंबे समय तक जब पड़ी रहती है तो वह हमारे फाइनली हेल्थ पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो पोल्यूटेंट आप लोग ध्यान रखना दो तरह से, एक ऐसे पोल्यूटेंट जो डिग्रेडेबल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें तोड़ देते हो, और एक ऐसे जो नॉन डिग्रेडेबल हैं और वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब टूटते नहीं, कैडमियम वगैरह आप लोग ध्यान रखिए, विशेष रूप से कैडमियम। कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मरकरी, बीएससी, डीडीटी, 2,4-D,
ये सभी बहुत सारे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि दो तरह से ये देखे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारे एनवायरमेंट में बहुत से स्रोतों से पहुंचते हैं, और इसके लिए चूंकि हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ह्यूमन इज ए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। जब ये पोल्यूटेंट हमारे एनवायरमेंट में पहुंचते हैं तो हमारे एनवायरमेंट के तो जो बहुत सारे संघटक हैं, जैसे वायु है, जल है, मिट्टी है, अन्य जीव जंतु हैं, उन सब में ये पोल्यूशन जो पोल्यूटेंट हैं, प्रदूषक हैं, पहुंचकर उसको खराब करने लगते। उसी के बेस पर आप लोग देखते हैं कि कई सारे उसी के बेस पर आप लोग देखोगे कई सारे हमारे वातावरण में प्रदूषण के प्रकार देखे जाते हैं। जैसे बड़ी मात्रा में धूल कण, विभिन्न प्रकार की गैसें एयर में पहुंच रही हैं, एयर के कंपोनेंट्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो हम लोग कहते हैं वायु प्रदूषण। उसी के साथ ऐसे ही जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन मृदा प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण जिसे कहते हैं, बायो पॉल्यूशन जैव प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन यानी रेडियोधर्मी प्रदूषण, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो है ये हमारे एनवायरमेंट को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं अलग अलग तरह से काम करते हैं और इस प्रकार की स्थिति बनाते हैं आपके मुख्य परीक्षा में, और विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा में इनसे क्वेश्चंस आते रहते। तो अब हम लोग एक के बाद एक इन सभी टॉपिक को देखते हैं। जैसे वायु प्रदूषण,